परमेश्वर ने मुझे ज्योति ठहराया है इस दुनिया के लिए, आपको परमेश्वर ने ज्योति ठहराया। जहां पर भी आपको दिक्कत दिखाई देता है उस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया। जहां पर भी आपको परेशानी दिखाई देता है, यहां पर परेशानी दिखाई दे रहा है, पास्टर यहां पर परेशानी दिखाई दे रहा है, नहीं, पास्टर को वहां पर ज्योति नहीं ठहराया है, उस परेशानी के लिए आपको ज्योति ठहराया। मेरे चर्च का एक बहुत अच्छा लीडर है, ये परेशानी मुझे दिखाई दे रहा है और मैं उसको फोन करूंगा और मैं उसको कहूंगा प्लीज आप आ जाओ क्योंकि यहां पर मुझे परेशानी दिखाई दे रहा है। नहीं, आपको जहां पर भी परेशानी दिखाई दे रहा है परमेश्वर वहां पर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने क्यों वो परेशानी आपके सामने लेकर आए मालूम है? ताकि आप उसका समाधान बने। आप अगर मुझे फोन करेंगे तो शायद मैं उसका समाधान नहीं बन सकता क्योंकि परमेश्वर वहां पर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मानो वो दिक्कत ही एक ताले के समान है और उस ताले की चाबी आपके पास है। मेरे पास मेरी चाबी है, आपके पास आपकी चाबी है। मेरे घर का चाबी मेरे पास है, आपके घर का चाबी आपके पास है। और हम सब लोग क्या करते मालूम है कि हम सब लोग कहते हैं नहीं, चाबी तो चाबी है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए काफी बार ताला खुलता नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हुआ क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता था। आपके पास ऐसे कोई तो चीज है जो चीज आपको वहां के दृश्य को बता रहा है, वहां की दिक्कतियों को बता रहा है, वहां के उलझन को बता रहा है, वहां की समस्याओं को बता रहा है, और उस समस्या के दरमियान उस उलझन के बीच में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और हम क्या करते हैं, हमारी चाबी, हम कहते नहीं यार मेरे पास तो चाबी, लेकिन वो बहुत छोटी सी चाबी है, वो बहुत छोटी चाबी है। पास्टर के पास जो चाबी है वो बहुत बड़ा चाबी है। मेरे पास जो चाबी है वो तो लोखंड का चाबी है। पास्टर के पास जो चाबी वो तो सोने का चाबी है। मेरे पास जो चाबी है वो तो बहुत पुराना चाबी है। इनके पास तो बहुत नया चाबी है और मेरा चाबी तो पूरा काला हो चुका है, लेकिन इनका चाबी तो चमक रहा है। हम काफी बार यहीं पर धोखा खा जाते हैं। परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया है उस क्षेत्र के लिए। तो जब आप ऐसी चीजों का सामना करते हो, विश्वास करो परमेश्वर पर और कहो प्रभु मैं तैयार हूं यहां पर चमकने के लिए, और मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहां पर ज्योति ठहराया है। अपने आप को समझने के लिए प्रयास करो। काफी बार हम अपने आप को नहीं समझते और उसी की वजह से बहुत सारी दुविधाओं का सामना करते। अगर परमेश्वर ने आपको ज्योति ठहराया है तो चमके आप जहां पर भी जाएं। हम काफी बार चमकने से पहले हम ये सोचते हैं बड़ी दुविधाओं को देखकर कि मैंने सुना है कि प्रार्थना काम करता है, मैंने सुना है कि परमेश्वर का वचन काम करता है, मैंने सुना है कि अंगीकार करने से बहुत सारी चीजें होती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर वो सब चीजें काम करेगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर थोड़ा सा समझौता कर लूंगा। नहीं, आप एक ज्योति है और आपको समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने बारे में जानेंगे आप कहेंगे अंधकार चाहे कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, जब वो मेरे करीब आएगा, जब वो मेरे निकट आएगा, जब वो मेरे पास में आएगा तो उसे डरना होगा क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा अद्भुत हूं। आप हो सकता है आप एक बड़ी ज्योति नहीं है, लेकिन आपको बड़ी ज्योति बनने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी ज्योति आपके साथ में है और आप छोटी ज्योति है, वो काफी है उस परेशानी का सामना करने के लिए, उस परेशानी को वहां से निकालने के लिए। बाइबल कहता है उसके बाद में ऐसा लिखा गया है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता। आज क्यों बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, आज क्यों बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग क्यों आपके द्वारा परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाते। यहां पर लिखा है कि जो पहाड़ पर बसा हुआ है या जो ज्योति जहां पर बसा हुआ है, आप किसी भी तौर पर छुप नहीं सकते, लेकिन लोग आज अपने आप को प्रकट करने से ज्यादा छुपाना पसंद करते हैं। नहीं ब्रदर, हम इसलिए जोर से प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाला बुरा मान जाएगा। हम इसलिए खाना खाते वक्त प्रार्थना नहीं करते क्योंकि मेरे दोस्तों को प्रार्थना करना पसंद नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ज्योति है और आप अपने आप को संसार के लोगों के साथ प्लीज एक नहीं करें, क्योंकि जब आप संसार के लोगों के साथ आप एक करते हैं
आप अपने वैल्यू को नहीं जानते हैं। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि रोड के ऊपर एक 10 का नोट गिरा हुआ है और लोग देखकर दूसरे रास्ते से चले जा रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसे, आपने स्वयं ने कभी ऐसे किया है? ओ, चाहे वो 10 का नोट हो, चाहे 5 का सिक्का हो, चाहे वो 2 का सिक्का हो, आप कहोगे मैंने पहले देखा, अब ये मेरा है। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसे हुआ है, मुझे 500 का भी नोट मिला है, मुझे 100 का भी नोट मिला है, मुझे 10 का भी नोट मिला है, मुझे बहुत सारा चीज़ मिला है। सो जब मैं ऐसे देखता हूँ, मैं तुरंत उठा लेता हूँ और मैं कहता हूँ ये मेरा है और कोई मुझसे छीन नहीं सकता है वो। आप विश्वास करो, आप कभी आप प्रैक्टिस कर भी मेरे साथ दे सकते हैं कि यार ये व्यक्ति उस चीज़ को नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने पहले देखा है, अब वो मेरा हो चुका है। आप काफ़ी बार जब हम अपनी अपने कीमत को जब गवा देते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारा वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप अपना वैल्यू आप जानिए कि सच में आप बहुत मूल्यवान